नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल प्रकाश एजुटेक में। AKTU के सभी छात्रों का सवाल आ रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट को लेकर एक बड़ी सूचना आज मैं आपको देने वाला हूँ। आज जो डेट है वो है 14 अप्रैल 2024, यानी कि 14 अप्रैल 2024, और सारी चीज़ें बताऊँगा कि इनका रिजल्ट कब तक आने वाला है। इसी हफ्ते में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, तो सारी चीज़ों को कवर करूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियोस को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी दें। सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसी हफ्ते आपका 20 अप्रैल के पहले तक, कल मंडे है, कल से इक्का दुक्का रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में मैक्सिमम चांस है कि रेगुलर के जो भी थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन बच्चों का रिजल्ट AKTU जारी कर दे। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और COP के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का रिजल्ट AKTU बहुत जल्द जो है वो डिक्लेयर करने वाला है। खबर ये भी मिली है कि फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनकी कॉपियाँ भी चेक की जा चुकी हैं, यानी कि आपकी कॉपियाँ चेक की जा चुकी हैं। मार्क्स अपलोडिंग का काम AKTU वन व्यू पर चल रहा है, और AKTU वन व्यू पर जैसे ही अपलोडिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, डाटा दुरुस्त रहता है, फिर आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो वीडियो के माध्यम से मैं तो आपको इन्फॉर्म करूँगा ही करूँगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कुछ घंटे पहले ही इत्तलाक कर दूँ, बाई सोर्स, बाई जैसे भी मुझे इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठा करके कर दूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, कन्फर्म कर लो, समझ गए। चलो अब बात करते हैं कुछ सवालों की तरफ। साथ ही आपको बता दूं कि रेगुलर के रिजल्ट्स पहले जारी होंगे, उसके बाद COP के रिजल्ट जो हैं वो AKTU डिक्लेयर करेगा। और हाल फिलहाल में जो जानकारी, जो सूचना, जो भी अपडेट मिल पा रही है उसके हिसाब से सबसे पहले फाइनल ईयर, फिर थर्ड ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी कि इस सिक्वेंस में, जो सिक्वेंस मैंने अभी बोला हुबहू उसी सिक्वेंस में रिजल्ट जारी होना है। तो BTech, BPharma, BArc, MBA जो सा भी आपका कोर्स है, कैटेगरी है, डजन मैटर, रिजल्ट इसी क्रम में बहुत जल्द जारी होना शुरू हो जाएगा। और मैं तो कहूँगा कल शाम को एक बार AKTU वन व्यू पे रिजल्ट देख भी लेना। चलो फिलहाल तो मैं बता ही दूंगा वीडियोस के माध्यम से, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ जरूर जुड़ो सब्सक्राइब करके। चलिए आपको नवी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, इसको ज़रूर पूरा देख। गाइस, मैं आपको नवी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बेहद ट्रस्टेड है, महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और 100 रुपये आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे, आपका आज का जेब खर्च तो निकल ही जाएगा। बाद में वीडियो को आप लाइक कर देना और कहना कि वाह भाई वाह। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, गिफ्ट ही समझो, 100 रुपये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे अब बताता हूँ। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करना है, रजिस्टर कर लेना है, बैंक कार्ड लिंक कर देना है, उसके बाद आपको 1 रुपये मिनिमम या फिर 10 रुपये डिजिटल गोल्ड में, या फिर यहाँ से आप डिजिटल गोल्ड बाई कर सकते हो। देखो दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो कितना डिजिटल गोल्ड बाई कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या डिजिटल गोल्ड बाई करते हो मिनिमम 1 रुपये भी, तो आपको 1000 कॉइन मिल जाएगा। और इस कॉइन को आप सिंपली क्या काम करना है, ये 1000 कॉइन 100 रुपये के बराबर होता है, 10 कॉइन 1 रुपये के बराबर। तो यहाँ से आपको गेट टू कैश पे क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हो आपको अपना जो भी अमाउंट है उसको विड्रॉ कर लेना है। यहाँ से मैंने अच्छा खासा कमाया है, आप भी अर्न कर सकते हो। देखो यहाँ से लगभग देख सकते हो 6300 कॉइन और 4900 रुपये मैंने अलग अलग जो है वो अर्निंग की है। तो आपको भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाओ, सिंपल से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है, पैन कार्ड लिंक करना है और डिजिटल गोल्ड बाई कर लेना है, 1 रुपये 10 रुपये जितना आपके ऊपर है। उसके बाद आपको 100 रुपये इंस्टेंट मिल जाएंगे कैशबैक, और उसको आप विड्रॉ कर लो अपने UPI में, तुरंत खाते में आ जाएगा। चलो बढ़िया है, जाओ इस्तेमाल करो, टाइम खत लिमिट है। काफ़ी बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर कॉपी कैसी चेकिंग हुई है, आप हर सेमेस्टर की कॉपी चेकिंग बताते हैं, सबसे एक्यूरेट बताते हैं, सबसे एग्जैक्ट बताते हैं। तो भाई मेरे, मैंने इस बार भी बता दिया है, आपने अगर वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके उन वीडियोस को देखो, वीडियोस चैनल को विजिट करो, प्रकाश से जुटे एक वीडियो सेक्शन में जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो और चेक करो कि कौन से AKTU के थंबनेल पर मैंने लिखा हुआ है कि कॉपी चेकिंग का हाल जानो, तो उसको ज़रूर से देखो। उसमें मैंने बाकायदा अच्छे से बता रखा है कि किस तरीके से और किन की कॉपियाँ कैसी चेक हुई हैं, मार्किंग कैसा किया गया है इस बार। जो मुझे अलग अलग प्रोफेसर से जानकारी मिली है, अलग अलग जो भी एग्ज़ाम में चेक करने वाले होते हैं, तो वो तमाम सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो आप उन वीडियोस को जाके देखो दोस्त, समझ गए। बाकी का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वीडियो के माध्यम से मैं इत्तलाक ज़रूर करूँगा। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ,
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।